नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत, अगले 15 दिन रहे सावधान। 31 मार्च तक स्विमिंग पूल और मॉल स्कूलों को बंद करने का निर्देश। कोरोना पर केंद्र सरकार की सलाह, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, हाथ ना मिलाए, गले मिलने से परहेज करें, कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति मिली। कोरोना पर केंद्र सरकार की सलाह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करने की सलाह, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, निजी कंपनी के कर्मचारी घर से करें काम। सामाजिक दूरी के दायरे को बढ़ाने के लिए निर्देश, सार्वजनिक परिवहन के तहत बसों, ट्रेनों और विमानों से गैर जरूरी यात्रा से परहेज किया जाना चाहिए। भारत में कोरोना के कुल 114 केस आए सामने, महाराष्ट्र में 5 लोगों में कोरोना वायरस की हुई पुष्टि, मरीजों की संख्या हुई 38, उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़कर 13। देश में अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस, अब तक कुल 38 केस आए सामने, कोरोना वायरस की वजह से देश में अब तक 2 मौत। कोरोना को लेकर दिल्ली में अलर्ट, दिल्ली में कोरोना के अब तक 7 केस, दिल्ली में शाहीनबाग समेत किसी भी जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर लगाए गए रोक। कोरोना वायरस की वजह से जेएनयू कैंपस खाली करने का आदेश, कोरोना को लेकर अलर्ट पर सरकार। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी और गैर सरकारी छात्रावास रहेंगे बंद, सभी लॉज को भी बंद रखने का जारी हुआ एडवाइजरी, 31 मार्च तक लॉज और छात्रावास रहेगा बंद। कोरोना वायरस को लेकर सीएम नीतीश का बयान, डरने की नहीं है जरूरत, बिहार में अब तक नहीं मिला कोई मरीज। बॉर्डर पर बरती जा रही है विशेष सतर्कता, एयरपोर्ट पर भी सरकार की नजर, सीएम नीतीश ने की लोगों से अपील, सार्वजनिक जगहों पर जमा होने से बचे। धारा 144 पर नीतीश ने जताई आपत्ति, कहा कोरोना को लेकर धारा 144 लगाना ठीक नहीं, बाहर से आने वाले लोगों की जांच जरूरी। कोरोना के चलते बिहार विधानमंडल का बजट सत्र समय से पहले हुआ संपन्न, अंतिम दिन निपटाए गए तमाम विधायी कार्य। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के मंत्रियों पर कोरोना को लेकर सावधानी नहीं बरतने का लगाया आरोप, स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखे गए 9 संदिग्ध, 1 झारखंड का आईपीएस दंपति भी शामिल, सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। छपरा के पानापुर में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज के आने से अफरा-तफरी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया संक्रमण से मुक्त, नासिक से घर लौटा था युवक। नवादा में कोरोना के एक संदिग्ध का मेडिकल जांच, नहीं मिले कोरोना के लक्षण, अबुधाबी से काम कर लौटा था युवक। कटिहार में कोरोना के संदिग्ध मरीज मिलने की अफवाह पर मचा हड़कंप, जांच के बाद डॉक्टरों ने टीबी होने की जताई आशंका, खांसी बुखार और सांस की तकलीफ से परेशान था मरीज। कोरोना के खिलाफ पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, डीएम ने 4 एम्बुलेंस को किया रवाना, मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल पहुंचाए गए एम्बुलेंस। कोरोना से बचाव के लिए भाजपा का चिकित्सा प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर में आगे आया, लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने और साफ सफाई की अपील, चिकित्सा प्रकोष्ठ ने फैलाई जागरूकता। भागलपुर के खलीफाबाद चौक पर कांग्रेस ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, मौके पर सैनिटाइजर और मास्क का भी किया वितरण, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कोरोना वायरस से लोगों के बचाव के लिए मुजफ्फरपुर में पूरी तैयारी, एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार, डॉक्टर और नर्स की तैनाती। कोरोना को लेकर समस्तीपुर में विशेष अलर्ट, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा भी 31 मार्च तक बंद, सभी छात्रों को भेजा जा रहा है घर। महिला आयोग में नहीं होगी सुनवाई, कोरोना के चलते सुनवाई स्थगित, 31 मार्च तक नहीं होगी सुनवाई, विशेष स्थिति में होगी कार्रवाई। कोरोना को हराने को लेकर जमुई सिविल कोर्ट में चिपकाए गए नोटिस, कोरोना से बचने के लिए दी गई जानकारी। ससुराल में भी कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य पर पूरी तरह से अलर्ट, विभाग की ओर से जगह जगह लगाए गए होर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। खगड़िया में कोरोना के संदेह पर स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को आइसोलेशन वार्ड में किया भर्ती, डॉक्टरों ने जांच में बताया निगेटिव। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जमुई जिले के सदर अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक जगहों पर प्रशासन ने चिपकाए नोटिस, शहर के सिनेमाघरों, पार्कों और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर लोगों से की भीड़ नहीं लगाने की अपील। कोरोना को लेकर बेतिया में दिखी रेलवे की लापरवाही, यात्रियों ने लगाए गंभीर आरोप, एसी कम नहीं करने और कंबल नहीं हटाने का आरोप। बांका में हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने लोगों को किया जागरूक, 12 हाट में लोगों को कोरोना से बचने के बताए उपाय, कल से करेंगे सैनिटाइजर का वितरण। रोहतास के डीएम पंकज दीक्षित ने सासाराम के सदर अस्पताल के बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण, साफ सफाई को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। औरंगाबाद में डाक विभाग भी कोरोना को लेकर अपने कर्मियों को कर रहा जागरूक, खुद डाक अधीक्षक ने इस अभियान की संभाल रखी है कमान।
लखीसराय में कोरोना वायरस को लेकर मंडल कार्य में सतर्कता, नए कैदियों के लिए बनाया गया 3 वार्ड, कैदियों से मुलाकात पर भी रोक। सीतामढ़ी में बड़े पैमाने पर मास्क की कालाबाजारी, जिला प्रशासन ने छापेमारी कर दवा दुकान को किया सील, ऊंची कीमत पर बेची जा रही थी मास्क। भागलपुर के सुल्तानगंज में हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने कोरोना वायरस को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, साफ सफाई के साथ साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील। भागलपुर के JLNMCH और सदर अस्पताल में कोरोना का आइसोलेशन वार्ड तैयार, वार्ड में जांच के लिए मुहैया कराई गई सारी मशीन। झारखंड में कोरोना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, झारखंड में अब तक कोरोना का कोई केस नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए 200 करोड़ आवंटित। 14 अप्रैल तक राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल रहेंगे बंद, कोरोना को लेकर झारखंड सरकार का फैसला, कोरोना से निपटने के लिए 200 करोड़ के बजट का आवंटन। झारखंड में सिनेमा हॉल और मॉल 14 अप्रैल तक रहेंगे बंद, पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल और म्यूजियम भी रहेंगे बंद, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी रद्द। खूंटी में चीन और थाईलैंड सहित अन्य राज्यों से आए 3 संदिग्धों को कोरोना को लेकर होम क्वारंटाइन में रखा गया, अभी तक नहीं मिले कोरोना के लक्षण। गिरिडीह कोर्ट परिसर में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन, कोर्ट के कर्मचारियों को सैनिटाइजर के उपयोग को लेकर किया गया जागरूक। सिमडेगा में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक के रोक। कोरोना वायरस को लेकर सरायकेला सदर अस्पताल में बना आइसोलेशन वार्ड, राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैयारियां पूरी, सभी डॉक्टर और नर्स मास्क पहनकर कर रहे हैं इलाज। कोरोना को लेकर डालसा की तरफ से कोरोना जागरूकता शिविर का आयोजन, शिविर में रिम्स के चिकित्सक और सिविल कोर्ट के जज शामिल हुए, कोरोना वायरस से जुड़े तमाम सवालों के दिए जवाब। जीतनराम मांझी की आवाज पर महागठबंधन की बैठक, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सैनी हुए शामिल, आरजेडी को लेकर सख्त नजर आए जीतनराम मांझी के तेवर, मांझी ने बिना नाम लिया आरजेडी पर साधा निशाना। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के रुख से हम अध्यक्ष जीतनराम मांझी नाराज, कहा आरजेडी ने रवैया नहीं बदला तो महागठबंधन के सहयोगी दल बदल सकते हैं रास्ता। मांझी के बयान पर आरजेडी बिफरा, पार्टी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी का बयान, आरजेडी को बड़ा भाई बनने का नहीं है कोई शौक। मांझी के बड़े भाई वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जवाब, कहा मांझी को नहीं है नाराजगी, मीडिया में आ रही गलत खबरें। पटना के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया आरजेडी के खिलाफ नारेबाजी, निखिल कुमार को राज्यसभा भेजने की मांग, आरजेडी पर कांग्रेस पार्टी को धोखा देने का। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर निशाना, मुआवजा देने की मांग। किसानों पर बेमौसम बारिश की मार, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने की मुआवजे की मांग, किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 दी सरकार, मांगे पूरी नहीं होने पर दी अनशन की चेतावनी। गोपालगंज के किसानों पर मौसम की दोहरी मार, बाढ़ और सुखाड़ से खरीफ की फसल हुई बर्बाद, बेमौसम बारिश ने रबी की फसल को भी किया बर्बाद। रोहतास जिले में बेमौसम बरसात से फसलों को भारी नुकसान, बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने राजपुर और नासरीगंज प्रखंड के गांवों का किया दौरा। औरंगाबाद में पिछले 3 दिनों तक लगातार हुई बारिश से फसल चौपट, दलहन और तिलहन की फसल बर्बाद, सरकार से उचित मुआवजे की मांग। मोतिहारी में लुटेरा गिरोह का खुलासा, गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 देशी और 1 रेगुलर पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद। छपरा में बेकाबू ट्रक ने ठेला चालक को रौंदा, ठेला चालक की मौके पर ही मौत, ट्रक चालक ने भागने के दौरान 7 गाड़ियों में मारी टक्कर। सुपौल के झंझारपुर गांव में हुई भीषण आगलगी में 5 घर जलकर राख, 7 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान, कई मवेशी भी जलकर राख। कटिहार में 167 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, मधेपुरा के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। लखीसराय के कबैया पुलिस ने बाईपास रोड में की छापेमारी, लग्जरी कार से जब्त किए 370 बोतल विदेशी शराब, 3 धंधेबाजों को भी किया गिरफ्तार। जमुई उत्पाद विभाग की टीम ने इंडिका कार से जब्त की 17 कार्टन विदेशी शराब, बंगाल से शेखपुरा ले जाई जा रही थी खेप, 1 धंधेबाज भी गिरफ्तार। सुपौल के पथरा गांव में चापाकल के नजदीक बने गड्ढे में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत, घर में मचा कोहरा। पटना सिटी के मौला शाह के बाग मोहल्ले में 3 जिंदा कारतूस के साथ अपराधी ट्विंकल गिरफ्तार, निशानदेही पर अन्य घर से देसी कट्टा समेत 3 कारतूस बरामद। पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों के करतूत, दिन दहाड़े की 2 लाख की लूट, दिलीप कुमार मंडल कुमारी घोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। नौगछिया कटिहार रेलखंड में ट्रेन से कटकर 12 साल की बच्ची की मौत, मानसिक रूप से बीमार थी बच्ची। बक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 चचेरे भाइयों की मौत, धरौली हाल्ट के पास हुआ हादसा। रोहतास में बेलगाम ट्रक ने नौहट्टा प्रखंड की पंचायत समिति सदस्य मालती देवी और उनकी बेटी को रौंदा, मौके पर हुई दोनों की मौत। मधुबनी में आम के बगीचे में मिला एक युवक का शव, ससुराल गया था मृतक, हत्या के आरोप में ससुर और साला गिरफ्तार, बस्ती के पतौना ओपी थाना इलाके स्थित जफरा गांव की घटना।
खगड़िया में 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूटे 3,76,000 रुपए, मोटरसाइकिल से रुपए ले जाने के दौरान लूट। मुंगेर में लाल दरवाजा वासुदेवपुर रोड पर बीच सड़क पर गड़ा है पोल, पुल को बिना हटाए बनाई गई सड़क, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भागलपुर स्टेशन चौक पर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में वाहनों की जांच अभियान, दर्जनों चालकों से वसूला गया जुर्माना। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों पर लगाया जुर्माना, पीजी हॉस्टल में अवैध रूप से कब्जे को लेकर लगाया जुर्माना, पिछले 2 महीने से हॉस्टल नहीं कर रहे खाली। औरंगाबाद में सूखी सोन नदी में अचानक पानी आने से तेज धार में बहे संपर्क पथ, सोन नदी में फंसे बालू रदे दर्जनों ट्रक। सीतामढ़ी में तिरहुत स्नातक चुनाव को लेकर विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर की आवास पर मतदाता मिलन समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने की शिरकत। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी जीत, बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश ने अपनी जीत का किया दावा। गिरिडीह में बीजेपी के पूर्व सांसद रविन्द्र राय का दावा, राज्यसभा चुनाव में दीपक प्रकाश की जीत पक्की, आजसू की तरफ से भी बीजेपी को समर्थन मिलने का भरोसा। राज्यसभा चुनाव में आजसू पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश को समर्थन का किया ऐलान, आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने की घोषणा। झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट पर जीत के लिए समर्थन जुटाने में जुटी बीजेपी, बाबूलाल मरांडी दीपक प्रकाश और धर्मपाल सिंह ने की सुदेश महतो से मुलाकात। निर्दलीय विधायक सरयू राय से मिले बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी दीपक प्रकाश, राज्यसभा चुनाव को लेकर मांगा समर्थन। बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता देने की दर्जा देने की मांग को लेकर जमशेदपुर में बीजेपी के प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देने के खिलाफ रांची में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सरकार के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं लेने का लगाया आरोप, उग्र आंदोलन के बीच चेतावनी। गुमला में जंगली सुअर के हमले से महिला की मौत, 2 अन्य ग्रामीण घायल। गोड्डा की सड़कों पर आवारा पशुओं का बसेरा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, नगर निगम पशुओं को लेकर लापरवाह। लोहरदगा के नवाटोली गांव में कुल्हाड़ी से मारकर अधेड़ की हत्या, आपसी रंजिश में वारदात दी गई अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। बालूमाथ के जाने माने व्यवसायी रानी इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक के घर 15 लाख की चोरी, ताला काट कर वारदात को दिया गया अंजाम। लातेहार के बरवा रेबेतला वन विभाग ने ट्रैक्टर पर लदा अवैध सागवान का बोटा किया जब्त, ट्रैक्टर मालिक समेत 2 पर प्राथमिकी दर्ज। रांची के सिविल कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर चुके जोड़े के बीच सुलह, मध्यस्थता के बाद पति पत्नी ने एक दूसरे को पहनाई माला, तलाक की अर्जी वापस लेने का फैसला। सरायकेला में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने की बहाली की मांग, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं हुई नियुक्ति, उपायुक्त से मुलाकात कर बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की मांग। देवघर के देवीपुर में एम्स का निर्माण कार्य काफी तेज है, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुनील शर्मा ने लिया निर्माण का जायजा। सिमडेगा के ब्यूरो ग्रेड में तकनीकी खराबी, रविवार रात से सिमडेगा शहर में बिजली आपूर्ति बाधित। पलामू में लगातार हुई बारिश और ओलावृष्टि में किसानों की फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। सरायकेला में सीआरपीएफ की तरफ से चलाए जा रहे निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र आज खत्म, महिलाओं को सिलाई कटाई का दिया प्रशिक्षण। मध्यप्रदेश में फ्लोर टेस्ट पर भारी पड़ा कोरोना, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 26 मार्च तक के लिए विधानसभा स्थगित, कमलनाथ सरकार को मिला वॉकओवर। मध्यप्रदेश राजभवन में बीजेपी विधायकों की परेड, बीजेपी की ओर से राज्यपाल को सौंपी गई 106 विधायकों की लिस्ट, जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग। सुप्रीम कोर्ट पहुंची मध्यप्रदेश की सियासी लड़ाई, बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट को लेकर दायर की याचिका, कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म रेड फिल्म के 2 साल पूरे, अजय देवगन ने जारी किया वीडियो। एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर किया ऐलान, खुद को बताया आइसक्रीम बेचने वाला, आइसक्रीम के एक स्कूप की कीमत बताई 2 लाख, फिल्म मेकर करण जौहर ने भेजी है कार्तिक को आइसक्रीम। बिग बॉस 13 के चर्चित कंटेस्टेंट आरती सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल, सलमान खान के गाने पर डांस करते नजर आ रही आरती। राजस्थान में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान तेज, उदयपुर में रैंप पर सैनिटाइजर किए और मास्क के साथ मॉडल्स ने किया कैटवॉक। बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2020 के तीसरे दिन भी सितारों का जलवा, रैंप पर एक से बढ़कर एक कैटवॉक।